पिछले काफी समय से किसान आंदोलन के चलते चल रही लंगर सेवा बंद कर दी गई है। लंगर सेवा बंद करने के बाद दिल्ली से आ रहे किसान जत्थेबंदियों द्वारा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि लंगर जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हुआ है वह शरारती तत्वों द्वारा किया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा का ऐसा कोई भी किसान नहीं था जिसके द्वारा इस तरह का उपद्रव किया गया हो। किसान जत्थेबंदियों के साथ आई महिला किसान ने कहा कि उनकी लड़ाई अन्न पैदा करने की है, उसी के लिए दिल्ली में इतने दिन से सरहद पर बैठे हुए हैं, परंतु कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा लाल किले पर जाकर जो घटिया हरकत की गई है उससे किसान संयुक्त मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा है कि दीप संधु ने स्वयं अपनी हरकत को लाइव के जरिए लोगों को दिखाया है। उन्होंने केंद्र की सरकार व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया कि किसान आंदोलन में किसानों की शहादत को देखते हुए जल्द से जल्द इन कृषि के क्षेत्र में लाए गए काले कानूनों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। टोल प्लाजा पर लंगर बंद किए जाने पर उन्होंने कहा कि लंगर यानी खाने के लिए ही तो अन्नदाता लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए लंगर जारी रहना चाहिए। यहां हम आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले पर जो उपद्रवियों द्वारा हरकत की गई है उसमें किसान आंदोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं टोल प्लाजा से लंगर के लिए लगाया गया मंच हटा दिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही आने जाने वाले जो किसान ट्रैक्टर पर आकर यहां पर लंगर प्रसाद लेते थे उनको भी अब यहां रुकने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अधिकारी ने कहा कि लंगर सेवा हटाने में प्रशासन द्वारा कोई भी दबाव नहीं डाला गया है, स्वयं ही किसानों द्वारा यहां से लंगर सेवा हटा दी गई है। बताते चले कि हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धरना स्थल से किसानों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। वहीं लंगर व्यवस्था को भी बंद करवा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का आपसी सौहार्द नहीं बिगड़े। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कई दिनों से चल रहा धरना पुलिस प्रशासन ने बंद करवा दिया है। गत दिवस हुई अप्रिय घटना के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंच गई और वहां से धरना स्थल को शांति प्रिय तरीके से बंद करवा दिया गया है। इस मौके पर खुद डीसी और पुलिस कप्तान भी पहुंचे। उन्होंने आसपास के गांव के लोगों के साथ मिलकर किसानों को समझाया, जिसके बाद टोल प्लाजा पर धरना बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की ओर जाने वाली और दिल्ली से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी अब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। एक बात करते जाने से पहले ये बहुत अच्छे से आप फेसबुक पे देख सकते हैं, उन्होंने अपील की थी कि अपने जितने भी किसान हैं, नौजवान हैं, उनका सबसे पहले हमारा जो रैली में सबसे पहले शस्त्र थे, गुरु ग्रंथ साहिब वाला रैली था, फूलों से सजी हुई माला थी और बहुत अच्छे तरीके से वो हमने तैयार किया होता। और सबसे पहले बुजुर्ग थे, फिर औरतें थी और नौजवान एंड में थे, लास्ट में थे। तो ये सडनली 7 बजे ही बैरियर तोड़ के और कहाँ से लाल किले में ये लोग पहुँच गए, कौन लोग हैं, किन्होंने ये किया है, ये हमें कोई अंदाजा नहीं है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि दीप सिद्धू ने करा है, जो कि उसने खुद लाइक, ये सुनने में भी नहीं आ रहा है तो देखने में आ रहा है कि उसने लाइक होकर खुद किया है ये, या कुछ कट्टर जो इस आंदोलन है, ये इंसानियत का आंदोलन है, ये कट्टरता का आंदोलन नहीं है, ये खालसा का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन है इंसानियत का, भोजन का, रोटी का, जो हर इंसान का हक है। लंगर जारी रहना चाहिए, इसी की तो लड़ाई है, और गरीबों को रोटी की आंदोलन जारी रहे और फिर ये कामयाब भी हो। जितना जल्दी कामयाब हुआ था, हर इंसान है उसके पेट में रोटी जाएगी और सस्ते में रोटी जाएगी। लोगों से कुछ मैं मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे घटिया हथकंडे अपनाना बंद कर दीजिए। क्यों आप इन घटिया हथकंडों से किसानों का जोश कम नहीं होगा, ये आंदोलन चलता ही रहेगा और हम शांतिमय तरीके से ये कर रहे हैं और हमें करने दीजिए। और हमारे जो कानून है घटिया, जो आपने 3 कानून बनाए हैं, उनको रद्द कर दीजिए। स्कूल ही निकल रहा है और व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस प्रशासन सारे अधिकारी और सब मौजूद हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट जो है फ्री हो रही है, कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो लंगर सेवा चल रही थी ये अपने आप ये उठे हैं या प्रशासन ने इनको कहा है? नहीं, प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, नॉर्मल स्थिति। जी जी बिल्कुल ठीक। देखिए इसमें प्रशासन का कोई दबाव किसी भी प्रकार का नहीं है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD.